हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोशनल्स। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, के करेक्टर के साथ और कौन से ऐसे करेक्टर को यूज करना चाहिए। तो गाइस, यदि आपके पास के करेक्टर है और आपको पता नहीं कि इसके साथ और कौन से ऐसे करेक्टर के स्किल स्लॉट में यूज करने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर ऑफ ऑल यानी के करेक्टर के बारे में। तो गाइस, मोस्ट ऑफ द प्लेयर को पता होगा के करेक्टर के स्किल्स के बारे में, फिर भी मैं बता दूं के करेक्टर गाइस आपको 150 ईपी देता है यदि करेक्टर मैक्स लेवल पे हो तो, और आपका हेल्थ एनिमी से फाइट करते वक्त कम हो जाता है तो के करेक्टर की मदद से आप ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप के करेक्टर के साथ क्लैश स्क्वाड रैंक खेलते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब हम बात करते हैं के करेक्टर के साथ तीन ऐसे कौन से करेक्टर को यूज करना चाहिए। वैसे फ्री फायर में करेक्टर की कमी नहीं है, करेक्टर एक से एक भरे पड़े हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता कौन से करेक्टर को यूज करना चाहिए। तो गाइस, नंबर वन पे जो करेक्टर है जिसको आप यूज कर सकते हैं वो है एंटोनियो। अगर आप एंटोनियो को यूज करते हैं तो ये आपको 35 ईपी एक्स्ट्रा देगा जब मैच स्टार्ट होगा। मतलब नॉर्मली हमारे पास 200 एचपी होता है और एंटोनियो को यूज करने के बाद आपको 235 ईपी एचपी मिल जाएगा। मैंने एंटोनियो को मैक्स लेवल पे नहीं किया है इसलिए अभी कम है। तो गाइस, यदि आपको ये करेक्टर अच्छा लगा हो तो यूज कर सकते हैं। सो गाइस, नंबर टू पे जो करेक्टर है वो बहुत ओपी है, मिगुल करेक्टर। ये करेक्टर आपको प्रत्येक किल पे 80 ईपी देगा। तो गाइस, समझ रहे हो, मतलब के करेक्टर तो आपको ईपी देता ही है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यदि आप मिगुल को यूज करते हैं और आप किसी को किल करते हो तो आपको तुरंत 80 ईपी मिल जाएगा, और आपके पास के है ही तो ईपी को एचपी में तुरंत कन्वर्ट कर लोगे। अब थर्ड नंबर पे जो कैरेक्टर है आप यूज कर सकते हैं। वैसे गाइस, मैं बता दो, थर्ड स्लॉट में आप चाहे तो अपने मनपसंद कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप कैली को यूज कर सकते हैं जो आपको स्पीड इंक्रीज कर देगा। मोको को यूज कर सकते हो जिससे अगर आप किसी एनिमी को डैमेज दोगे तो 5 सेकेंड के लिए आपको एनिमी का लोकेशन पता चल जाएगा। सो गाइस, दोनों कैरेक्टर में से जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्लैश स्क्वाड रैंक में कहाँ पे हो। खत्म।